साइबर ठग अपनी करतूतों का अंजाम देने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। राजधानी जयपुर में साइबर ठगी का एक ऐसा प्रयास सामने आया, वक्त रहते व्यापारी ने एसीबी की मदद ली और बड़ी वारदात का शिकार होने से बच गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सोचिए किसी व्यापारी को ईडी के एडिशनल डायरेक्टर के नाम से कॉल आए और उससे कहा जाए कि तेरे खातों में गड़बड़ी है, तो उस व्यापारी का खून सूख जाएगा और जैसा कॉल करने वाला कहेगा वैसा ही वो करेगा और अंत में नतीजा ठगी का शिकार। दरअसल जयपुर के जवाहर नगर में रहने वाले कारोबारी विकास जैन के पास ईडी के एडिशनल डायरेक्टर के नाम से इंटरनेट कॉल आया और दिल्ली हेड ऑफिस से संजय कुमार होना बताया और खातों में गड़बड़ी का हवाला देकर रेड के लिए तैयार रहने की धमकी दी। वहीं फिर से कॉल कर रेड से बचने के लिए करीब 40 लाख रुपए मांगे, लेकिन मामला 20 लाख में सेटल हुआ और केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 के पास बॉक्स में राशि रखने की बात कही। इसमें एक व्यापारी है, उनको ईडी के नाम से धमकी देकर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है, जो कि एसीडी में के द्वारा उसकी जांच करने के बाद मुकदमा दर्ज कराया है। 7 तारीख को एक विकास जैन नाम के व्यापारी हैं जयपुर के, उनके पास कोई व्हाट्सएप कॉल आया है कि मैं ईडी के एडिशनल डायरेक्टर बोल रहा हूं और आपके खातों में बहुत गड़बड़ी है, पूरा टैक्स नहीं देते हैं, इसकी जांच मेरे पास है, जल्दी उसमें आपके छापे पड़ेंगे ईडी के, और यदि आप इसे बचना चाहते हैं तो डिमांड की उसने 40 लाख रुपए की। लेकिन व्यापारी विकास जैन ने सावधानी बरती और एसीबी अफसरों को पूरा वाक्य बताया। फिर क्या था, एसीबी ने पूरा जाल बिछाया और एक बॉक्स में ऊपर कुछ नोट 500 के और वहीं नीचे कागज की कतरन भर दी, साथ ही पैसा केवी के बाहर रखने के बाद इसकी फोटो भी ईडी के कथित अफसर को भेजी गई। उधर कुछ देर में इमरान नाम का एक युवक आया और उसने बॉक्स उठा लिया, लेकिन वहां पहले से तैनात एसीबी ने उसे दबोच लिया और खुलासा हुआ कि इमरान एक पिकअप बॉय है जो ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। एजेंसी के मैनेजर को पकड़ा तो उसने बताया कि फोन आया था कि बॉक्स को इंदौर भिजवाना है। हालांकि एसीबी ने जांच की तो सामने आया कि जिस नंबर से कॉल आया था वो झारखंड का है। एसीडी के अधिकारियों ने अपने जैसे प्रक्रिया है उसके तहत जाल बिछाकर पकड़ने की कोशिश की, तो बाद में तथ्य सामने आए कि ये कोई फ्रॉड है, क्योंकि जो पैसा लेने आया था वो एक ऑटो ड्राइवर, लोडिंग ऑटो ड्राइवर था। जब उससे पूछा गया कि भाई तू कहाँ से आया, तो उसने बताया सर मेरे को ट्रेवल्स वाले ने बताया। जब ट्रेवल्स वाले से पता किया तो उसके पास उसी फ़ोन नंबर से बुकिंग हुई कि मेरा कोई मिठाई का डब्बा लेके आना है आपको, तो उसके तहत वो कलेक्ट कर रहे थे। जब उसकी अभी जानकारी कर रहे हैं वो कहाँ का है, कौन है, लेकिन वो सरकारी अधिकारी प्राथमिक तौर पर नहीं है, क्योंकि उसमें सरकारी अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई ठग का था, इसलिए थाना गांधीनगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद गांधीनगर पुलिस ने इंटरनेट कॉल करने वाले को ट्रेस कर लिया है, लेकिन इस घटना ने फिर जाहिर कर दिया कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सजग नहीं रहे तो कभी भी साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।